चलो यार इस तरह आपके अंदर देख के आते हैं यार, ऐसा क्या है इस तरह आपके अंदर? ओ भाई चेस्ट है यार, बहुत सारा खल में लगता है, बहुत सारे खाया खजाना छुपाया होगा, शायद मैं अमीर बनने वाला हूँ यार, देखते हैं क्या होता है। अरे भाई एक कैमरा और एक पेड़, और यहाँ पे वहाँ जाओ जहाँ जाने को मना करते हैं। तो यार ऐसी जगह हमारे यहाँ कौन सी है जाने को मना है यार? अब ऐसी जगह वहीं जहाँ वहीं जाकर पता चलेगा कि वहाँ पर ऐसा क्या छुपा रखा है जहाँ जाने को मना करते हैं। ओ भाई नीचे पानी है। इसका मतलब मैं अगर यहाँ से कूदूंगा तो मुझे लगेगी नहीं यार। एक पानी कंफर्म कर लेता हूँ मैं यार, एक ब्लॉक रखता हूँ यहाँ पे, उसमें एक टॉर्च लगाता हूँ, उसमें अच्छी तरह देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं गिर ना जाऊँ यहाँ से और मर ना जाऊँ। अंदर मरूंगा यार, वापस भी नहीं आ पाऊंगा। हाँ तो भाई आज की मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं गई यार, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। कहानी का असली पार्ट तो अब शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, तो चल रहे हैं अब हम गुफा के नीचे यार, देखने आते हैं गुफा के नीचे अब है क्या। तो जल्दी से चलते हैं भाई गुफा के नीचे और देखते हैं भाई हमारे यहाँ कितना खजाना छुपा के रखा हमारे पूर्वजों ने। ये भाई नीचे बहुत नीचे यार, बहुत नीचे है भाई। ओ भाई पहुँच गए आखिरकार। ये पानी है अच्छा हुआ लगती नहीं यार, पूरा यहाँ पर मतलब पूरा पहले से यहाँ पर फिक्स करके रखा था कि कैसे करना है अरेंजमेंट की जो आएगा और उसे लगे भी ना। तो यार मैं धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ ही नीचे को जा रहा हूँ और यार मुझे इंतज़ार नहीं हो पा रहा है कि यार अंदर क्या छुपाया है ऐसा। मतलब इतनी यहाँ पे ये सब प्रोटेक्शन वोट्रैक्शन की यार, वहाँ पर से पेड़ की यहाँ पर पूरी बेड रॉक देखी जाएगी यार। यहाँ पर कुछ नहीं है यार, अब आगे जाके देखा तो एक गुफा वहाँ पर भी थी, वहाँ पर बहुत सारे जाल लगे थे। इसका मतलब ये वहीं पर जाने को मतलब कुछ तो वहाँ पर है गड़बड़। तो इतने सारे जाले तो यार मकड़ी आज तक पक्का होगी, इसको तोड़ता हूँ, फंस गया हूँ जाल के अंदर। पिकैक्स से जल्दी नहीं टूट रहा है, तलवार से तोड़ के देखता हूँ, तलवार से जल्दी टूट जा रहा है। तो यार यहाँ पर मकड़ी पक्का होगी क्योंकि इतने सारे जाल है, तो यार मुझे संभल के रहना पड़ेगा, हर वक्त मुझे देखना पड़ेगा मकड़ी आ रही है नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, पहले हम मकड़ी की टेंशन बाद में करेंगे यार, हम पहले अपना जल्दी से जाल वाल तोड़ लेते हैं और फिर भाई आगे चलते हैं। आपको क्या लगता है यार मुझे यार कितना खजाना मिलेगा यार? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना कि यार मुझे कितना खजाना मिलने वाला है। तो यार जो दिल्ली से जाल तो ख़त्म हो गए हैं, अब बच एक और जाल बचा है, फिर चलते हैं आगे। भाई यहाँ पर और पानी है यार, मैं जल्दी से जाल ले लेता हूँ क्योंकि ये बेड बनाने के काम आते हैं। एक और बच के था, हाँ चलो ऊपर चलते हैं यार। कितनी ऊपर तक, कितनी मतलब गुफाएँ ऊँची है देख लेता हूँ मैं एक बार। ओ भाई बहुत ऊँची हो गया यार, तो मैं आगे जल्दी से देखता हूँ आगे है क्या चीज़, कहाँ कहाँ रास्ते यार, मेरे को यहाँ भटकने का बहुत डर है। और भाई यहाँ पे ओ जॉम्बीज, दो जॉम्बीज यार, इनसे आप बच के कोई फायदा नहीं, इनको मारो उनको। मेरे पास अरे ओ भाई आयरन की सोर्ड मिली है मुझे एक जॉम्बीज से, देखो यार, पर हेल्थ इसकी बहुत कम है। और यार यहाँ पर कुछ लिखा भी है, यहाँ पर क्या लिखा है देख लेता हूँ। डेंजर भाई मतलब इस डायरेक्शन में खतरा है, तभी यहाँ से दो जॉम्बीज भी निकले हैं। तो यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ मतलब जहाँ पर मेरे को पुलिस ने संकेत दे रखा है खतरा है, तो यार मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे भी एक पीछे गुफा है, पहले यहाँ देख के आता हूँ आगे क्या रखा है। आगे यहाँ पे भी भाई पेंटिंग्स लगी हैं और डेंजर मल्टीप्लाई 100, मतलब यहाँ और बहुत खतरा है, और यहाँ पे भी लिखा है डेंजर। तो यार मैं यहाँ जाने वाला हूँ नहीं क्योंकि यार मेरे पूर्वजों ने संकेत दे दिया है कि यार यहाँ पर जाना मना है, तो यार मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। अब मैं यार आगे जाता हूँ ये, पर मुझे ओ भाई यार एक और आ गया, इसके पास तो यार गोल्डन हेलमेट है, चलो इसको भी मार देंगे हम। चलो भाई तू तो गया अब। अब यार मुझे स्केलटन की आवाज़ आ रही है यार, स्केल की आवाज़ आ रही है अब इसको। वो देख मेरा दुश्मन, जानी दुश्मन, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बस ये मुझे दिखते मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है यार इसको। अरे मैं इस सील ओपन कर लेता हूँ ताकि इसी को लग जाए। भाई ये सही तरीका है इसको मारने का, क्योंकि यार इसके पास जाएंगे, पास जाने तक तो वो तीर चला देता है, तो हमको डैमेज पड़ जाएगा। इससे बढ़िया इसको सील लगा दो और ये खुद ही मर जाएगा। और यार भाई यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है भाई? यहाँ पर देखो ये पहले मैं ये ले लेता हूँ। और ये भाई यहाँ पे देखो एक गड्ढा है, मतलब नीचे को जाने का रास्ता है यहाँ पे। वो यहाँ पे हम अभी जाते हैं, उससे पहले आगे की गुफा देख के आते हैं। और यार रास्तों का हमेशा पता रखना पड़ेगा क्योंकि रास्ते का तो यार आगे कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो अब कौन सी गुफा बच गई थी, एक आगे भी एक गुफा थी, मैं उसको भी देख के आता हूँ। और यार रास्तों का हमेशा पता रखना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर जाते टाइम हम भूल गए कहाँ से आए थे, वैसे तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कठिन रास्ता है। तो यहाँ पर हम गए थे क्या, एक बार चेक करके आए, यहाँ पर गए थे नहीं गए थे एक बार देख के आते हैं भाई। यहाँ पर हम गए थे नहीं गए थे देख के आते, अरे यहाँ पर गए हैं। अब यार चलते हैं दूसरी गुफा की तरफ, एक गुफा यहाँ पे थी, अब एक गुफा आगे भी थी, मैंने देखी थी उस टाइम, मैं आ गया नहीं यहाँ पे। तो एक बार मैं यहाँ पर भी देख के आता हूँ, चेक करके आता हूँ यार यहाँ पर भी क्या है, मतलब डेंजर वेंजर वगैरह कुछ सीन तो नहीं है यहाँ पर भी। तो भाई यहाँ पर भी एक लगाया बोर्ड, और यहाँ पर क्या लिखा है यार, यहाँ पर लिखा है कब हो जाए पूरा काम तब यहाँ का नाम। तो भाई मेरे पुरुष ने यहाँ पर संकेत देने के यार जब तुम्हारा पूरा काम हो जाए। वैसे मेरा पूरा काम है क्या,
मतलब खजाना लूट के यहाँ पर आना है हमको, और यहाँ पर देखते हैं भाई खजाना लूटने के बाद होता क्या, निकलता क्या। पर हम पहले चलते हैं इस गड्ढे के अंदर। तो यार मैं इस गड्ढे के अंदर आ गया, खतरा आता तो कुछ लग नहीं रहा मुझे, तो मैं आगे चलता हूँ। अब देखता ओ भाई लावा, लावा से बच के चलना वरना जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। चलो भाई यहाँ पर से चलते हैं, चलते हैं। गहरा गड्ढा है, नीचे पड़ेंगे तो मर जाएंगे यार, जान पिया रही। ओ पानी है, चलो कुछ नहीं होगा नीचे कूदने से। ओ पानी है, पानी। ओ भाई चेस्ट मिल गई, भाई चेस्ट मिल गई। और यहाँ पे यार रेल का ट्रैक है, ट्रैक ये कुछ संकेत देना चाहता है क्या? चलो कोई नहीं, अभी हम छोड़ते हैं, अब चेस्ट खोलते हैं यार। और चेस्ट भाई साहब ये क्या है, ये होता है क्या? मेरे इतना गुस्सा आ रहा है ना यहाँ पे यार, ये क्या है? मुझे ये पत्थर, ये ब्लॉक, ये और यहाँ पे एक ही चीज़ काम की है, पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी, जिसने आपको कि हम मैं गायब हो जाऊँगा। पर यार मैं यहाँ खजाना लेने आया था और यहाँ मुझे ये पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी दे के यार ठरका दिया। तो यार मेरे पूर्वज ने मुझसे बहुत बुरा करा यार, इतने अमीर थे वो लोग कि मुझे बहुत ज़्यादा खजाना दे सकते थे, पर एक पोशन और ये सीढ़ी क्यों रखी होगी, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा यार। चलो कोई नहीं, अब रखी है तो यार क्या करें। अब आगे देखते हैं कि आगे थोड़ी सी एक और गुफा बची थी, अब जहाँ वहाँ पर लिखा था जहाँ बोर्ड। अरे भाई एक और गुफा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक और गुफा है। ओ ओ भाई भाई ये क्या है यार, मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जमाल लूटा होगा पक्का। तो अरे खुलता कैसे है? अच्छा बटन से खुलता है, बटन दबाओ और अंदर जाओ। अरे टाइम से लगेगा, टाइम हमें टाइम के साथ जाना पड़ेगा। बटन लगाओ और अंदर जाओ, अरे जाओ बटन लगा अंदर जाओ। तो अंदर तो आ गया, मैं बाहर निकल सकता हूँ, निकल सकता हूँ, चलो बाहर निकल सकता हूँ। तो भाई मेरे सामने यार गोल्ड का आर्मर रखा है यार इतना, तो यार गोल्ड का आर्मर यार मामूली बात तो है नहीं गोल्ड का आर्मर। तो भाई मैं जल्दी से गोल्ड का आर्मर ले लेता हूँ यार, क्योंकि मेरे को यार गोल्ड में गोल्ड के आर्मर को पहनने का पहले से शौक था, पर मेरे पास गोल्ड था नहीं इतना। तो मैं जल्दी जल्दी गोल्ड गोल्ड ले लेता हूँ अपने पास सामान के, इसको लेता हूँ, आ गया मेरे पास, इसको लेता हूँ और ये भी आ गया मेरे पास। अब यार इतना सारा सामान मेरे पास, इसको रख लेता हूँ इसमें और फिर लाता हूँ गोल्ड का आर्मर, मतलब पूरे ले लेता हूँ मैं इसमें से, क्योंकि यार मेरे लिए रखा है यार, मैं चोरी तो है नहीं, क्योंकि मेरे लिए रखा है तो यार मैं ले लूँगा इसको। और वैसे इन गाँव में चोरी करते रहता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो यार मैंने इसको पूरा नंगा बना दिया है, अब ये पूरा नंगा हो चुका है। पर यार आगे कुछ बोर्ड्स लगे यार, मैं आगे देखता हूँ, आगे यार कुछ लिखा है। ओ भाई एक और चेस्ट, ओ इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। चलो चलो भाई इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे, और बिना भूत वाली पेंटिंग तोड़ दो। ओ भाई बिना भूत वाली पेंटिंग यार मुझे कोई पेंटिंग वेंटिंग तो दिख नहीं दी है। और यहाँ पर लिखा यार कासल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, विलेज के बाहर रेल ट्रैक को फॉलो करो। चलो यार मैं इन बातों को बाद में जान लूँगा, पहले मैं इसको खोलता हूँ। ओ भाई साहब मैंने इतना ज़्यादा खजाना कभी देखा भी नहीं यार, मुझे लग रहा था कि यार मेरे प्रोजन ने मेरे को कुछ रखा ही नहीं है, पर यार इतना सारा चीज़। तो मैं जल्दी जल्दी इसको अपने पास ले लेता हूँ यार, मेरे पास जगह भी नहीं है यार इतनी सारी। मैं इसको पहले क्या करूँ यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं जगह मेरे पास कुछ बैग वैग भी नहीं है, और मैं इनको ले जाऊँगा कैसे एक साथ। मेरे क्या कुछ दिमाग में बात नहीं गुजर रही है, कैसे ले जाऊँ मैं कैसे। तो यार मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं बाहर थोड़ा सा देख के आता हूँ, या मैं इनको बाहर छोड़ के आता हूँ, नहीं यार दरवाज़ा जाने नहीं दे रहा। ऐसा करता हूँ जो काम की चीज़ें नहीं है, जो हमें वहाँ ब्लॉक मिला था, आइए एक ये और ये भी काम का नहीं है, और ये सीढ़ी भी काम की नहीं लग रही है मुझे, और बाकी ये रोटन फ्लैश किस काम का है, और ये जो मेरे को तलवार की हेल्थ है, वो तलवार की हेल्थ भी काम की नहीं है, तो इसको मैं रख देता हूँ। और जल्दी जल्दी भाई सारा एमरल्ड यार मैं इतना अमीर हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया हूँ मैं, पर मैं इस इतना भाई इतना मुझे डर लग रहा है यार, कहीं मुझे कोई मार ना दे यहीं गुफा के अंदर यार, पूरा वेस्ट हो जाएगा यार। तो अब मुझे यार बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है गुफा के अंदर, तो मैं भाई अब क्या करूँ मैं आगे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा यार, मुझे तो अब एंडर ड्रैगन से लड़ने का भी मन नहीं कर रहा है यार, मेरे पास बहुत सारा खजाना आ चुका है। अब मुझे लग रहा है यार मैं भाग जाऊँ कोई शांति जगह पर, आराम से अपनी ज़िंदगी काटूँ, पर यार एंडर ड्रैगन को तो मारना पड़ेगा। पर मैं अब गाँव वालों को छोड़ दूँगा, और अभी मैं बाहर चलता हूँ यार, जल्दी से मुझे जाना है उस जगह पर जहाँ पर यार वहाँ पर लिखाते हैं जब पूरा काम हो जाए तब आना है, मुझे लगता है यार वहाँ पर और ज़्यादा खजाना रखा होगा मेरे लिए। तो यार मैं जल्दी से जाता हूँ भाई ऊपर, तो मैं ब्लॉक्स ले लेता हूँ यार ऊपर चढ़ने के, मुझे ब्लॉक्स ज़रूरत है, और सीढ़ी की वैसे सीढ़ी ज़्यादा काम नहीं आएगी मेरे। अच्छा तो मुझे सन्मा आ गया कि यार वो नीचे सीढ़ी और ब्लॉक क्यों रखे थे, क्योंकि यार ऊपर चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो काम आएगा, पर मुझे लगता है ज़्यादा काम मेरे को ब्लॉक्स आएंगे, क्योंकि मैं ब्लॉक से ऊपर सीढ़ी बनाते रहूँगा और चढ़ते रहूँगा। तो यहाँ इतना ऊँचा जाना है यार, अगर मैं गिर जाऊँगा तो हड्डी बसली एक हो जाएगी, पर अच्छा नीचे पानी गिरने का मतलब डर भी, अगर भी गए तो यार पानी में गिरेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ पर रखता हूँ, ऐसे करते ब्लॉक के ऊपर चढ़ते रहता हूँ जैसे मैं वहाँ पर कर रहा था। ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, पत्थर लग रहा है क्या ये? चलो ऐसे करके चढ़ते रहता हूँ,
चलो भाई अब जल्दी नहीं चलते हैं वहीं, वहाँ को जा रहा था कि जब हो जाए पूरा काम तब यहाँ का नाम। तो यार मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि अगर मैं वहाँ जाके मतलब मुझे कोई बहुत ही बढ़िया सा और ख़जाना मिल गया तो यार मुझे तो बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। तो यार अरे यहाँ यहाँ पे तो मैं गुफा भूल जाऊँगा भाई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहाँ कहाँ जाना है यार, मैं भूल गया। ऊपर ऊपर को दिख रहा है मुझे रास्ता, पिकैक्स ये तोड़ लेते हैं, यहाँ पर वो दिक्कत कर रहा है। चलो चलो भाई ये तोड़ लेते हैं। चलो भाई पहुँच गए आखिर में। और यार मुझे मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है यार, मुझे तलवार पकड़े रहनी चाहिए ताकि कोई जॉम्बी जॉम्बी जाए तो यार मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मेरे अब इतना ज़्यादा खजाना है ना यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं जल्दी यहाँ पर भी मैं ब्लॉक रखता हूँ और ऊपर निकलता हूँ। ब्लॉक्स यहाँ पर और थोड़ा सा पीछे ऐसा, तो एक ब्लॉक्स यहाँ पर हो जाएगा भाई। मतलब यार कहने का मतलब यार गुफा मतलब बहुत ही कमाल की गुफा है यार। यहाँ पर एक खाली गड्ढा था कि जिससे मतलब अगर गड्ढा भी नहीं होता था वो पता भी नहीं चलता कि यार वो गुफा कहाँ से शुरुआत हो रही है। यार बहुत ही सही गुफा बनी है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको यार गुफा पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट लिख के बताना यार कैसी गुफा बनाई है मेरे पूर्वजों ने। तो यार यहाँ पर मैं जाके आ गया था क्या, देख लेते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर जाके आ गया, चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। यार मेरे पूर्वजों ने यहाँ से दूर रहने को कहा है, यहाँ पर आने को ही नहीं कहा, तो मैं यार यहाँ पर दूर ही रहता हूँ। मैं यहाँ ज़्यादा आऊँगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पर डेंजर मल्टीप्लाई अंडर मतलब अरे भाई इसके लिए वहाँ पर इसके लिए आओ नीचे गिर गया, वो नीचे गिर गया उसकी तो हड्डी बसली ऐसी टूटी होती है, पर पूरी टूट गई होंगी, अब ख़त्म ही हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यार जल्दी। चलो भाई गिरने का डर है, हाँ ठीक ये है वो जगह जब हो जाए पूरा काम तक यहाँ का नाम। तो अब मैं आगे देख क्या था भाई, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे भी क्या है, मतलब मुझे तो छोटी सी गुफा टाइप की लग रही है बस ये मुझे। ओ भाई पेंटिंग वहाँ पे लिखा था ना, बिना भूत वाली पेंटिंग तोड़ दो। तो मैं क्या करता हूँ पीछे पीछे आके इसको पिकैक्स से तोड़ देता हूँ, बिना उसको तोड़ देता। अच्छा ओ भाई गोल्डन का है क्या, ना मुझे लग रहा है कोई कांच है चमकने वाला। ये एक अब इसको कैसे तोड़ूँ, कुछ नहीं है यार यहाँ पे नहीं लगता है, क्या पता यार इसके पीछे कुछ निकल जाए। ये कुछ दिख रहा है मुझे, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हाँ 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 ये एक कुछ मैंने दब। अरे भाई तुमने कुछ सुना, ऐसा लगा दीवार कहीं से खसकी, दीवार कहीं से खसकी। ये देखो दोबारा से कहीं पर तुम्हें दिख रहा है, कहाँ से कुछ हिल रहा है कुछ कुछ, मेरे को तो कभी कुछ नहीं दिखा। ये यहाँ पर क्या पड़ रहा है, यहाँ पर ये पेंटिंग मैं यहाँ मतलब पेंटिंग लगी होगी और जैसे दीवार खिसकी तो पेंटिंग टूट गई और वो नीचे गिरी है। तो यहाँ ही पे मतलब कहीं पे दरवाजा है, सीक्रेट डोर है भाई यहाँ पे कहीं पे भी। यहाँ पे लिखा है किसी भी पेंटिंग को हाथ मत लगाना, दे मैंने लगा दी है, चल तेरी बात नहीं सुनेंगे। पर यार मुझे यहाँ पे दरवाजा लगता है, मुझे जरूर से बटन दबाना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं बटन दबा के आता हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा करके, यहाँ पे दबाओ बटन, ये मैंने दबाया और ये खुल गया होगा शायद से, ये नहीं ओ खुल गया भाई, खुल गया। तो यहाँ पर शायद मुझे एक और गुफा मिलने वाली है, पर यहाँ पेड़ वेड़ यार मैं गाँव के बाहर तो नहीं आ गया हूँ शायद यार। अच्छा भाई तो वहीं वही जगह तो नहीं है जहाँ से मतलब पूर्वजों ने दीवार पार करी थी। हाँ भाई मुझे लावा दिख रहा है, मुझे लावा दिख रहा है, सामने मेरे लावा है, मतलब मैं वही जगह पर आ गया हूँ, मैं गाँव से बाहर निकल गया भाई। मेरे तो मुझे आज भाई आज खजाना ही मिल गया, गांव से बाहर निकल कर रास्ता ही मिल गया, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी मुझे भाई साहब, मज़ा आ गया आज तो यार। पर यार मुझे जल्दी जल्दी अब यहाँ पे मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी गांव के बाहर नहीं जाना, रात भी है तो यार मुझे जॉम्बीज मार देगा। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, अभी इसको बंद करता हूँ और मैं अभी अपने घर जाता हूँ। और क्योंकि यार दो दिन हो गए, मैं दो दिन से अपने घर नहीं गया हूँ, और यार अपना सारा सामान ना एक अच्छी जगह छुपा के आता हूँ और फिर मैं वहाँ से आऊँगा यहाँ पर दोबारा से, और फिर मैं पूरा सामान लेके एक साथ ही जाऊँगा। यार मैं अभी बिल्कुल ही मतलब मरने का मुझे मन नहीं है यार, मैं अभी ऐसे अंधेरे में बाहर जाऊँगा तो यार जॉम्बीज मुझे मार ही देंगे पक्का 100%। और मेरे पास कोई घर भी नहीं है छुपने के लिए, तो मैं अभी यहाँ पर नहीं जाऊँगा, अभी मैं करता हूँ सीधे अपने चलता हूँ घर को। जाल वाल बहुत लगाया यहाँ पर मुझे मकड़ी तो एक भी नहीं मिली, पर कोई बात नहीं। चलो भाई काम हो गया अपना, हम चलते हैं भाई ऊपर को और अपने घर चलते हैं। मैं अपने घर में ना जमीन के नीचे छुपा के रखूँगा ये खजाना, मेरे गाँव में गाँव वाले आते रहते हैं यार,
मेरी रेड मारते रहते हैं, मेरे घर में देखते रहते हैं क्या क्या छुपा रखा है इसने भाई। इतना मतलब मैं इतना परेशान हूँ ना अपने गाँव वालों से। तब आप यार ऊपर कैसे चढ़ूँ? तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे ब्लॉक रखता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो पानी भी ना रुके। अगर पानी रुक गया तो मैं कूदूंगा तो मुझे लग जाएगी। तो पानी भी ना रुके ऐसे लगाता हूँ ब्लॉक्स को, ब्लॉक्स ऐसे करके जो ऐसे लगाता हूँ भाई, ऐसे पानी नहीं रुकेगा। ठीक है, ऐसे करके ऊपर मैं उसके ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर लगाते रहूँगा ब्लॉक्स और मैं चढ़ जाऊँगा ऊपर। तो बस वैसी टेक्निक दोबारा से, कूदो कूदो लगाओ कूदो लगाओ और चढ़ जाओ। तो भाई अब कितनी आज मुझे लगता है यार अभी आधी रात हो गई शायद से, देखना पड़ेगा यार। हाँ भाई भाई अभी आधी रात है यार, मुझे सुबह होने से पहले पहुँचना पड़ेगा भाई, वरना यार अगर मुझे गांव वाले बाई चांस यहाँ से उतरते हुआ देख लेते तो यार समझ लो ये गेम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा मेरा। अगर यार मुझे इनसे छुप छुप के पहुँचना है घर तो मैं जल्दी से सुबह होने से पहले मैं यहाँ से उतर जाता हूँ और जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचता हूँ और सारा खजाना भाई मैं मुझे अब तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ मैं गाँव में, सबसे ज़्यादा अमीर हूँ। और भाई पर मुझे यार एक बात समझ में नहीं आई यार, वहाँ पर इतनी लगा था कि वहाँ जाओ मतलब तुम्हारा काशी इंतज़ार कर रहा है, काशी तो यार उनने तबाह कर दिया था। तो मुझे ऐसा वहाँ पे और मुझे कासल जाने का कुछ रास्ता ही पता ही नहीं है कि कहाँ पे कासल है। पर वहाँ पर एक और चीज़ बताई थी यार कि रेल के ट्रैक को फॉलो करो। मैं रेल के ट्रैक को फॉलो करने वाला हूँ पर गांव के बाहर जगह। तो अभी यार मेरा पूरा काम फोकस है अभी घर जाना, क्योंकि रात के पड़े में जॉम्बी से मारेंगे ही मारेंगे। ओ भाई भाई देखो आ गया मकड़ा हारा, आ गया मकड़ा हारा। तो मुझे जल्दी जल्दी भागना चाहिए। और भाई वो क्या है? ओ भाई मेरे घर में आग लगा दी है गांव वालों ने, लगता है उनको पता चल गया यार। ओ भाई साहब यार बड़ी गुस्सा आ रही है मुझे भाई, मेरे घर में आग लगा दी है यार। अरे भाई कौन मार रहा है यार, मार दो भयंकर, मेरे घर में भी आग लगा दी है गांव वालों ने, उनको पता चल गया। मुझे जल्दी जैसे भाग जाना चाहिए, कोई समय बचा नहीं है यार। बड़ा मेरा पूरा सामान जला दिया यार घर में यार भाई, मैं बहुत ही ओ भाई। अरे यार ये जॉम्बीज का बच्चा मुझे देखने भी नहीं देगा। अरे क्या है यार तू भी मार देगा मुझे भाई, मेरे को मेरे घर में आग लग चुकी है, मेरे को थोड़ा सब तरस तो खा ले भाई। अरे यार ये जॉम्बीज है कहाँ होता है इनके पास दिमाग, इनको मारो बस। ओ भाई यार अब यहाँ पर रुकना खाली बेकार है यार, गाँव वालों को बदल गया है। सुबह से पहले मुझे घर पहुँचना पड़ेगा, सॉरी घर नहीं, सुबह से पहले मुझे गाँव के बाहर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि घर तो यार इनने मेरा चला दिया है। तो मैं जल्दी जल्दी यार सुबह से पहले यहाँ से भागता हूँ यार, क्योंकि अगर अब मुझे गाँव ओ भाई वो फट गया यार वो क्रीपर, अगर गांव वाले अब मुझे यहाँ देख लेते हैं यार तो मेरी खैर नहीं होने वाली है। और अब तो सीधे मतलब मुझे कोई भी नहीं बचाएगा। तो यार अब मेरा यहाँ पर बचा भी नहीं है, इसलिए मैं सीधे अपनी जान बचा के चलता हूँ, ऊपर खजाना है और मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है गाँव वालों को, उन्होंने मेरा घर चला दिया है। यार अभी गुस्सा निकालने का कोई टाइम नहीं है, अभी पाँच छः मिले यहाँ से पाता हूँ भाई। मुझे अब निकलना है यार यहाँ से, मुझे अब मुझे गाँव वालों से कोई मतलब ही नहीं है यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है गाँव वालों को देख के। तो वो भाई ऊपर चढ़ते हैं पेड़ के, सुबह होने वाली है भाई साहब, सुबह होने वाली है, अभी तुरंत ही नहीं उड़ जाएंगे गाँव वाले, थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो मैं जल्दी से ऊपर भाई ऊपर फैंटम भी मैं खाना वाना खा लेता हूँ यार, क्योंकि मुझे हेल्थ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी ऊपर। तो भाई मैंने खाना खा लिया, अब एक बार फैंटम मार लेगा तो उतना जल्दी ओ बच गया बच गया बच गया। इस वाली कोशिश में हम पक्का चढ़ जाएंगे और चढ़ गए या। पर यार आज मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर क्या करें अब गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। सुबह हो गया, अभी मेरा मेन फोकस रहेगा जमीन के नीचे जाके वो दीवार को पार करना। और भाई यार मैं वैसे भी यहाँ पक गया हूँ यार, दीवार के अंदर रह रहे वही गाँव वाले वही बेकार लोग मुझे इतना पक गया हूँ यार, अच्छी बात तो करते हैं नहीं लोग, रेड मारते रहते हैं घर में मेरे मिल रहे हैं कमाई पर। आपको पता है यार मैंने गाँव में बताया चोरी क्यों करी, क्योंकि यार इनने मेरे को जब मतलब मेरे घर से निकाला था तो मैं वहाँ से मतलब अपने को थोड़ा रुपया रुपया लेके आया था, और यार सुबह होने तक एक रुपया भी नहीं बचा, पूरा रुपया मेरा चोरी हो गया था। इसलिए मैंने गांव वालों से ना गांव वालों पे ही चोरी मतलब गांव वालों ने कि गांव में ही चोरी कर दी मैंने, यार मेरा ही रुपया चुरा के ले गए थे। अब इसमें पता नहीं किसने चोरी करा था, पर सबको भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए मेरी मेहनत की कमाई चोरी गई थी। चलो छोड़ो यार अभी इस बात को छोड़ते हैं, हम जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ पे से मार दो आपका बस पानी के साथ चलते रहो।
भाई अब ज़ॉम्बी आ गया, मैं तो एक शॉट मार दूंगा ज़ॉम्बी को, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उस गाँव वालों के ऊपर, पर गाँव वाला गुस्सा ज़ॉम्बी का निकालूंगा नहीं करूँगा क्योंकि उनके पास वैसे दिमाग नहीं होता है। जो यार कहाँ पर था वो, जरा रास्ता का पता रखना पड़ेगा यार, रास्ता हम भूल जाते हैं। तो इस तरफ था कि इस तरफ था, ठीक है। अब यार मैं जल्दी से भाई जल्दी से बटन दबाता हूँ, बटन दब गया शायद, हाँ दब गया। चलो चलो भाई चलो चलो भाई, अब यार किसी की मजाल नहीं है यार, मुझे कुछ भी करने है क्योंकि गाँव वालों को पता भी नहीं है कि यहाँ रास्ता भी है बाहर निकलने का। तो यार मैं अब मुझे जल्दी से यार वो रेल ट्रैक को फॉलो करना पड़ेगा यार, मैं जल्दी से रेल ट्रैक को ढूंढता हूँ क्योंकि यार वही मुझे कासल तक पहुँचाएगा शायद से। तो यार जल्दी जल्दी यार मैं कासल तक, मुझे ऐसे एक कासल तो पूरा मुझे जहाँ तक याद है कि यार मुझे कहानी सुनाया करते थे दादाजी लोग, ये कासल तो पूरा ही टूट गया था, मतलब दादाजी लोग ने जो मेरे पापा के मतलब वो थे, तो पापा के दोस्त मतलब पापा के दादा के दोस्त थे तो वो बताते थे मुझे, तो वो मेरे को बताते थे कि यार हमारा कासल क्या है पूरा ही टूट गया था, पूरे मतलब एंडर ड्रैगन ने वहाँ बहुत सारे मतलब आग वाग बहुत मुँह से आग छोड़ी और पूरा ही जला दिया कासल को। पर अब मुझे लगता है कासल जल गया होगा, पर जैसे यहाँ पर कासल के नीचे यहाँ पर मतलब गाँव के नीचे कोई खजाना छुपाया, वैसे कासल के नीचे भी कोई खजाना छुपाया होगा। तो भाई मुझे लगता है पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हूँ क्योंकि रेल का ट्रैक है वो प्लेन इलाके में होता है, तो यार मैं पहाड़ी में चढ़ता हूँ ऊपर टॉप से देखूंगा कि कहाँ पर प्लेन इलाका है और उसके ढूंढा रेल का ट्रैक। चलिए मैं ऊपर चढ़ता हूँ पहाड़ी के टॉप से, देखने में मज़ा आएगा भाई टॉप से, मतलब सीन दिखेगा कि कितनी सुंदर दुनिया है बाहर से पता चलेगा हमको। तो भाई यार चलो जल्दी यार, रात होने से पहले जो करना है काम करना है। तो यार मुझे वहाँ से वहाँ तक का इलाका तो दिख तो रहा है, मैं पेड़ में चढ़ जाता हूँ, इस पेड़ में चढ़ जाता हूँ। तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा प्लेन इलाका मतलब यहीं कहीं पर ट्रैक भी हो सकता है क्योंकि यार हमने देखा है ट्रेन की जगह मतलब जहाँ भी ट्रेल पटरियाँ होती है वहाँ सीधा रास्ता होता है, तो सीधा रास्ते के लिए हमें यार उखड़ खाबड़ जगह तो चाहिए नहीं है, ये सीधा रास्ता मैं यहीं पर मुझे आसपास दिख तो रहा है। चलो ऐसा करते हैं, यार घोड़े में बैठने की सोच रहा था पर यार घोड़ा बहुत छोटा है, घोड़े का बच्चा है यार वो खाली बेचारा मारमूट पड़ेगा। पर यार अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे नदी पार करनी पड़ेगी, नदी पार करनी पड़ेगी भाई साहब, इतनी मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा यार क्योंकि रात हो गई ना तो फिर बैंड बज जाएगी, ज़ॉम्बीज तो ऐसे हमला करेंगे। मुर्गी तू तो गई पहाड़ में, मुर्गी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं यार, बहुत ही गुस्सा आ रहा है मुझे गाँव वालों पर, तो मैं उन्हीं पर गुस्सा निकालता हूँ। एक और सामने मेरी मुर्गी मिली शायद, अरे बकरी का बच्चा है, अरे बकरी का बच्चा हो या कुछ कुछ भी हो तुम्हारे यहाँ पक्का धुआं बन गया। चलिए और भाई साहब मुझे कहीं से कहीं तक रेल ट्रैक नज़र नहीं आ रहा यार, मैं इतना ढूंढ चुका हूँ भाई, कहाँ मिलेगा मुझे रेल ट्रैक। 2 hours later भाई साहब इतनी देर हो गई, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ ना, मैं मुझे कहीं से कहीं तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यार। तो यार मुझे गधे मिल गए हैं सारे यार, रेल ट्रैक नहीं मिल रहा मुझे। पर भाई तुमने देखा कुछ, यहाँ पर आ गया समंदर, पानी, ये पानी के ऊपर तुम्हारा रेल ट्रैक होगा, पानी के ऊपर नहीं होगा रेल ट्रैक, मैं यहाँ से जाना चाहिए सब बता देनी चाहिए। तो यार मैं यहाँ पहुँच गया हूँ घने जंगल में, और यहाँ पर देखते हैं यार, यहाँ पे यार ये जंगल मुझे अजीब सा लग रहा है, काले काले पेड़ हैं यार इस जंगल में भाई साहब, मुझे डर टाइप का लग रहा है यार। यहाँ पे मुझे जब भी ऐसा काला काला होता है ना यार, आसपास कहीं ना कहीं विच का घर होता है यार, पर यार विच का घर तो पता चल जाता है कि पानी वहाँ पर काला होने लग जाता है क्योंकि यार विच जैसे वो ज़्यादा पोषण बनाती है ना कि यार वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है, पूरा पानी गंदा हो जाता है वहाँ पे का। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे विच से दूरी रहना पड़ेगा क्योंकि आस पास विच का घर होगा ही, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ विच का घर होगा ही। तो जब तक साफ पानी दिख रहा है तुम्हें तो तब तक सही है भाई, तब तक तुम चलते रहो आराम से, अगर तुम्हें मैला पानी दिखता है तो तुरंत वहाँ से दूर हो जाओ क्योंकि वो विच वहीं पर होगी। और भाई साहब चलो ठीक है, पर यार एक बात है, अगर हमने विच को मार दिया ना तो तुमको बहुत सारे जादुई पोषण मिल जाएंगे भाई साहब, कि हम मतलब यार जादुई पोषण इतने काम आएंगे, जैसे अगर लावा है हम लावा में नहीं जाएंगे जादुई पोषण पी लेंगे तो यार विच के पास ऐसे खतरनाक चीज़ें होती हैं। तो यार मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने इतना ढूंढा ना भाई, काला पानी दिख रहा है तुम्हें, काला पानी मतलब विच यहीं कहीं आसपास है,
काला पानी का मतलब विच, तो भाई तुम कहीं देना विच है घर होगा पूरा यार नॉर्मल सिंपल था घर। वो देखो सामने, वो है सामने भाई विच का घर। मुझे मतलब यार दिशा बदल देनी चाहिए भाई साहब, ऐसे मुझे चल देना चाहिए चुपचाप से। तो यार मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग के आया, अगर चुपचाप जाता मैं यहाँ पे हूँ तो मैं बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे करता हूँ यहाँ पे घर बना लेता हूँ क्योंकि रात होगी, रात होने वाली है, तो मैं इससे पानी में सोऊंगा क्या मैं। चलो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे प्लान कैंसिल करते हैं, कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढते हैं घर बनाने की। अरे भाई पत्थर लगाओ, ठीक है तो एक कॉल लगा लूँ इसको तोड़ूँ, ठीक चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओ मुझे यार, ओ भाई मैं गिरने ही वाला था यार, इतनी गहरी खाई यार। यहाँ पे मैं पक्का किसी बहुत ही बड़े बड़े दो जानवरों की लड़ाई होगी होगी यार, बहुत ही बड़े जायंट से, बहुत ही बड़े राक्षस की लड़ाई होगी, तो पूरी धरती फट गई यहाँ पे। तो यार मुझे अभी इसको ढूंढना है, मुझे यार रात होने से पहले अपने लिए कोई बढ़िया से घर ढूंढ लेना है, क्योंकि यार मुझे थकाई बहुत लग गई है। दो दिन से मैं बिना सोए यार काम कर रहा हूँ गुफा के अंदर, यार मैं अपने के लिए कोई बढ़िया से जगह ढूंढता हूँ घर बनाने के लिए। यार ये जगह कैसी लग रही है, इसमें ऐसा करता हूँ ये ऊँचा भी है इसको तोड़ता हूँ, थोड़ा दरवाज़ा टाइप का बनाता हूँ, अंदर सो जाता हूँ, मुझे बहुत ही थकाई लग गई है। तो भाई मुझे रेलवे ट्रैक तो नहीं मिल रहा है, रेलवे ट्रैक को मैं कल को ढूंढूंगा बढ़िया से, पर अभी मुझे बहुत ही थकाई लग गई है तो अभी मैं सो जाता हूँ यार। पर यार रेलवे ट्रैक में तो कोई बहुत ही बड़ी बात है, और अभी हम जाने वाले हैं आगे कासल में। तो भाई कासल में मुझे लगता है अभी बहुत ही खतरा होने वाला है, क्योंकि आगे कासल या कब से हमने मतलब बंद पड़ा होगा वो कासल, कोई आता भी नहीं होगा, वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए होंगे। तो देखते हैं आगे का क्या।